आज भगवान की दया से हमारा आरसीएम परिवार बहुत बड़ा है और पूरे देश, पूरे भारत के कोने कोने में हमारा आरसीएम परिवार मौजूद है। इसीलिए हर जगह से हमें कॉल्स आ रही हैं, हमें लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमें हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एपी ऑर्गेनिक्स द्वारा, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसकी जानकारी दी जाए। हाँ, हम पूरे भारत में फैले हुए हैं और इसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि चाहे हम दूर हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें पास ला सकती है। तो आरसीएम के हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की जानकारी के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग एक दूसरे के पास आ सकें। आज जैसे कि आप लोग, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर है, मेडिकल केयर है। अगर हम हेल्थ केयर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी हमने बहुत विकास किया है, हमने कई बीमारियों पर काबू भी पाया है। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि आज भी भारत में कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस यानी कि हृदय रोगों से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है। यानी कि हृदय रोगों पर अभी भी हमने काबू नहीं पाया है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं तो 2016 में भारत में 28% मौतें हृदय रोगों के कारण हुई हैं और यह उससे भी बड़े दुख की बात है कि उनमें से 52% मौतें 70 साल से भी कम उम्र की आयु के लोगों में थी। यानी कि हमारी यंगर जनरेशन भी इस भयंकर बीमारी का शिकार होती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा देश, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरा देश इस बीमारी से ग्रसित है। सबसे ऊपर है पंजाब, तमिलनाडु और केरला। हृदय रोगों से बचने के लिए हमें पहले उनके मुख्य कारणों को जानना होगा, मुख्य कारणों को समझना होगा। इनमें से कुछ मुख्य कारण हृदय रोगों के हैं, असामान्य कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लाभदायक कोलेस्ट्रॉल का कम होना और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, स्ट्रेस, मोटापा, गतिहीन जीवन शैली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत कम फल और सब्जियां खाना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ये हृदय रोगों के प्रमुख कारण हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस कारण पे जो सबसे नंबर वन कारण है हृदय रोगों का, वो है कोलेस्ट्रॉल का जमाव। क्या आप जानते हैं कि हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव कब शुरू हो जाता है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारी धमनियों में बचपन से ही शुरू हो जाता है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। जब एक बच्चा पैदा होता है, आप सामने उसकी धमनियां देख सकते हैं कि वो एकदम साफ और एकदम क्लीन होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी ईटिंग और लिविंग हैबिट से, यानी कि खाने पीने की आदतों से, उसकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है और उसके सिम्टम्स हमें 40 साल की उम्र के बाद पता लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसी के चलते आप, यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो सलाह देते हैं कि 9 से 11 साल की उम्र में ही आपका पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो जाना चाहिए। और जिन बच्चों की पारिवारिक हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल की, उनको 2 साल की उम्र की आयु में ही कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लेना चाहिए। और हम लोग कब करवाते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट? अब तो यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, हाई बॉर्डर रेंज में आता है, उच्च स्तर में आता है, यानी 160 से 179 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की उच्च स्तर में आता है, तो हमें डॉक्टर्स द्वारा स्टैटिन लेने की सलाह दी जाती है। स्टैटिन इकलौता कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला फार्मास्यूटिकल दवा है। इस
नाम अलग अलग हैं, जैसे कि आपके सामने कुछ नाम स्टेटिन के दिए हैं, एटोरवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन सॉल्ट वही है स्टेटिन। यह जो स्टेटिन है जो ज्यादातर लोगों को लेना पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्या वो हमारे लिए सुरक्षित है? हम इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि स्टेटिन हमारे लिए कितना सुरक्षित है। आपके सामने FDA, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US वाला FDA, उसकी चेतावनी रखी है। 2012 में उन्होंने एक वार्निंग यानी कि एक चेतावनी जारी की कि स्टेटिन मे कॉज डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस। स्टेटिन की वजह से डायबिटीज, मांसपेशियों को नुकसान और मेमोरी लॉस हो सकता है। ये US FDA की चेतावनी है। अगर ये US FDA की चेतावनी है जो कि प्रकाशित हुई है 2012 में, तो इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे सबूत होंगे और उनका मे कॉज यानी हो सकता है मतलब होगा ही होगा। और इसी के चलते US FDA ने 2012 में स्टेटिन बनाने वाली कंपनियों को यह जरूरी कर दिया कि उन्होंने अपने लेबल पे ये वार्निंग यानी कि मेमोरी लॉस, ब्लड शुगर, ये वाली वार्निंग कि स्टेटिन लेने से ये सब हो सकते हैं, ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये उन कंपनीज को अपने लेबल पे ही लिखना पड़ेगा। 2014 में लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर डेनियल स्वेडलो और उनकी टीम ने भी स्टेटिन के दुष्प्रभावों पर अध्ययन किया और उन्होंने यह पाया, उनकी टीम ने यह पाया कि स्टेटिन लेने से वजन बढ़ता है और डायबिटीज हो सकता है। यह भी प्रकाशित हुआ था सितंबर 2014 में। यह है 2019 द हिंदू अखबार, जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 8 महीने के हुए अध्ययन के बारे में बताया गया, जिसके अनुसार कोलेस्ट्रॉल की दवाएं यानी कि अटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन लगातार लेने से डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी होती है। न्यू ऑर्लिन की टुलेन यूनिवर्सिटी में वर्ष 2015 में हुए एक अध्ययन के अनुसार स्टेटिन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। 23 जुलाई 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी की कि स्टेटिन लेने से मायस्थीनिया ग्रेविस नामक बीमारी, जिसके अंतर्गत हमारे स्केलेटल की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, उसके होने का खतरा बना रहता है। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में कॉम्प्लेक्सिटी साइंस हब के अनुसार स्टेटिन लेने से हड्डियों के खुड़ने का खतरा हो सकता है। स्टेटिन के और कई अनेकों दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि भार बढ़ना, शरीर में सूजन, चक्कर आना, नींद ना आना, थका महसूस होना, या यहां तक कि जहां जो लोग लगातार स्टेटिन ले रहे हैं वो भी आपको बता सकते हैं कि हमें ये परेशानियां हो रही हैं स्टेटिन लेने से। आपको इसके सबसे बड़ा सबूत दिखाती हूँ, सबसे बड़ा प्रमाण बताती हूँ कि स्टेटिन को जिस साइंटिस्ट ने, जिस आविष्कारक ने, जिस वैज्ञानिक ने स्टेटिन को बनाया 1976 में, उसको खुद को 2004 में LDL की प्रॉब्लम हो गई, हाई LDL यानी कि हाई हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। और 2006 में यह पब्लिश हुआ, 2006 के वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह पब्लिश हुआ कि एंडो ने, जिसने स्टेटिन बनाया था, उसने खुद स्टेटिन नहीं लिया। तो अगर मैं कहूं कि यह एक जहर है तो मैं गलत नहीं होऊंगी। स्टेटिन के जो अनेकों दुष्प्रभाव हैं उसका अगर डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहें तो सिंपल आपको ऐसे समझाती हूं कि यह जो फूल है आपके सामने, आपको एक फूल दिख रहा है, यह हमारा शरीर है और जो छोटे छोटे कांटे हैं वे LDL कोलेस्ट्रॉल है। और हम उन कांटों को निकालने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह है एक बड़ी कैंची, यह बड़ी कैंची है स्टेटिन। तो इन कांटों को काटते समय निश्चय है कि हम पत्ते भी काट सकते हैं, डाली भी, और पूरा का पूरा फूल भी। यही कर रही हैं आर्टिफिशियल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हमारे साथ, स्टेटिन जैसी दवाइयां हमारे साथ। इन दवाओं के इतने दुष्प्रभाव हैं लेकिन फिर भी हमें ये लेनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है। जहां हम एक तरफ भारत में बैठे हैं
भारत में 28% लोग, जैसे कि बताया, लगातार वृद्ध लोगों से मर रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस विश्व में एक ऐसा देश भी है जहां लोग अपनी लंबी उम्र के लिए माने जाते हैं। रिसर्च के अनुसार वहां पर एक औसत व्यक्ति 83 साल 7 महीने की आयु का होता है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं जिस कंट्री की बात कर रही हूं, जिस देश की बात कर रही हूं, वह देश है जापान। हम अभी बोल रहे थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जापान के पास 1954 से एक चॉइस है। वहां के दो साइंटिस्ट, किनोका और सूचियो नामक दो साइंटिस्ट ने एक अध्ययन में पाया कि राइस ब्रैन ऑयल में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला गामा ओरिजिनॉल नामक पोषक एक पोषक तत्व है और उसके हमारे शरीर पर अनेकों लाभ हैं। उसके बाद दुनिया भर में उस पर अध्ययन शुरू हो गए और उसके अनेकों फायदे निकलकर सामने आए। ये गामा ओरिजिनॉल है क्या? गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की गुणकारी भूरी परत, जिसे राइस ब्रैन कहते हैं, उसमें पाया जाता है। जापान में वर्ष 1962 में गामा ओरिजिनॉल का उपयोग दवा के रूप में किया जा रहा है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल मानसिक तनाव के उपचार में किया गया और बाद में 1970 में इसे रजोवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के लक्षणों के उपचार के लिए इसे एज ए दवा बेचे जाने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद 1986 में उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर के उपचार के लिए भी इसे मंजूरी दी गई, एज ए दवा बेचने के लिए, एज ए मेडिसिन बेचने के लिए, और इस मेडिसिन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है। गामा ओरिजिनॉल एक कुदरती दवा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेटिन, जिसके इतने सारे दुष्प्रभाव हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यह प्रकाशित हुआ कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि एक कुदरती दवा है, उसकी प्रभावकारिता बिल्कुल ही स्टैटिन के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बिल्कुल स्टैटिन की तुलना में बिल्कुल स्टैटिन के बराबर है, और वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। काफी आपके सामने जापान में हुए प्रकाशित अध्ययनों के मैंने सामने रखे हैं, पुराने 1981 की स्टडी, 2000 की स्टडी, 2010 की स्टडी, ये सारी स्टडीज मैंने आपके सामने रखी हैं, कुछ नई स्टडीज, कुछ पुरानी स्टडीज, जो ये प्रमाणित करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, यानी कि हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और आज भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को मान्यता दे दी है। 23 दिसंबर 2016 में फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल की लिस्ट में, न्यूट्रास्यूटिकल की सूची में दर्ज कर लिया है। न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे कि हम लोग जानते हैं, दे आर डाइटरी सप्लीमेंट्स, दे आर नेचुरल मेडिसिन विद गुड इफेक्ट्स, विद हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। और फार्मास्यूटिकल, हमें पता है, वो सिंथेटिक दवाइयां होती हैं जो लैब में तैयार की जाती हैं केमिकल से। गामा ओरिजिनॉल ना केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, बल्कि इसका पूरे शरीर के लिए, सर से लेकर पांव तक, अनेकों इसके फायदे हैं, इसके अनेकों लाभ हैं। जापान में किए गए अध्ययनों के अनुसार गामा ओरिजिनॉल एंटी डायबिटिक है, यानी कि डायबिटीज की बीमारी की रोकथाम में मदद करता है। Type 2 diabetes में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और जो लोग इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं, उस पे उनकी निर्भरता को कम करता है गामा ओरिजिनॉल की डोजेज। यह भी प्रकाशित हुआ है 2012 के एक अध्ययन में कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जो कैंसरस सेल हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ को कम करता है। तो ये एंटी कैंसर भी है। ये हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, आज 50% से भी ज्यादा महिलाएं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का की बीमारी से जूझ रही हैं, और वो भी हमें हृदय रोगों के करीब लेके जाती हैं। और उसकी रोकथाम में भी, उच्च रक्तचाप की रोकथाम में भी गामा ओरिजिनॉल मददगार है। इसकी भी स्टडी यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित है।
गैमा और इज्नोल हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है। नागासाकी विश्वविद्यालय जापान में यह अध्ययन हुआ है कि लिवर सिरोसिस एक भयंकर बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट में भी गैमा और इज्नोल मदद करता है। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान का कहना है कि शराब से होने वाला लिवर पे जो डैमेज है उस पे भी गैमा और इज्नोल लेने से प्रभाव उसके भी शराब के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं, तो उसके लिए भी सुरक्षात्मक प्रभाव है। गैस्ट्रिक ट्रबल के उपचार में भी गैमा और इज्नोल बहुत मददगार है। गैस्ट्रिक अल्सर्स को दूर करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस को दूर करता है गैमा और इज्नोल। हमारे शरीर में सूजन जो अनेकों बीमारियों को पैदा करती है उसमें भी वो सूजन को भी कम करने में गैमा और इज्नोल मददगार है। ये आपको कुछ पब्लिश स्टडीज मैंने आपके सामने रखी हैं गैमा और इज्नोल की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1970 से ये एज अ मेडिसिन फॉर मेनोपॉज इस्तेमाल हो रहा है जापान में, और ये आपके सामने एक स्टडी भी रखी है 1996 और 1962 की कि गैमा और इज्नोल मेनोपॉज के दौरान औरतों को जो समस्याएं आती हैं हॉट फ्लैशेस और अनेकों दुष्प्रभाव उनको दूर करने में मददगार है। हड्डियों की कमजोर होने को रोकता है गैमा और इज्नोल। त्वचा के लिए भी गैमा और इज्नोल बहुत लाभदायक है। इसकी अनेकों स्टडीज हैं थाईलैंड जापान, अनेकों स्टडीज हुई हैं वहां पे कि ये इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं, स्किन हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उसका स्टडीज के अलावा मैं आपको ये कुछ कॉस्मेटिक्स दिखाना चाहूंगी। ये जो कुछ कॉस्मेटिक्स हैं आप amazon.in पे चेक कर सकते हैं, कॉमिका बेजिन राइस ब्रैन कॉस्मेटिक्स। राइस ब्रांड कॉस्मेटिक्स बनाती है ये कंपनी, और गैमा और इज्नोल के कारण ही ये कॉस्मेटिक्स इतने हाई प्राइसेस पे 6473, 6842 इतने महंगे प्राइसेस पे बिक रहे हैं। गैमा और इज्नोल हाई थायराइड के ट्रीटमेंट में भी मददगार है। 300 मिलीग्राम गैमा और इज्नोल रोज लेने से हाई थायराइड वाले पेशेंट्स को राहत मिलती है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, अल्जेमर जैसी बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में गैमा और इज्नोल मददगार है। ये एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट सेल हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और भी अच्छे कंट्रीज में, क्योंकि ये हमारे दो तरह के हॉर्मोन्स को बढ़ावा देता है। दो तरह के हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ाता है, एक है टेस्टोस्टेरोन जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और एक है एंडोर्फिन जो हमें खुश रहने में मददगार है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको हमेशा गुजरना पड़ता है फिजिकल स्ट्रेस से और मेंटल स्ट्रेस से भी, तो ये दोनों स्ट्रेस दूर करता है थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एंड एंडोर्फिन हार्मोन्स। इसीलिए एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट बहुत बिकता है विदेशों में। विटामिन ई हम जानते हैं बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और गैमा और इज्नोल की प्रभावकारिता विटामिन ई से भी अच्छी है, 4 गुना ज्यादा अच्छी है, और ये जापान में एज एन एंटीऑक्सीडेंट रजिस्टर्ड भी है। अब ये अद्भुत पोषक तत्व गैमा और इज्नोल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, सूजन को कम करता है, मेनोपॉज के लक्षणों में राहत देता है, उच्च रक्तचाप को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा पर इसके अच्छे प्रभाव है, लीवर के लिए सुरक्षा करता है, थायराइड को कम करता है, मधुमेह की रोकथाम करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स एंटी कैंसर है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और यह एक अनोखा एंटीऑक्सीडेंट है। इस अद्भुत पोषक तत्व को हम कहते हैं अपना हेल्थ गार्ड। जैसे कि ये एक नेचुरल मेडिसिन है और हर मेडिसिन की एक डोजेज होती है, उसे एक पर्टिकुलर खुराक में लेना होता है, और ऐसे ही गैमा और इज्नोल की भी एक खुराक है। ठीक उसी तरह अगर हम बीमार हो जाएं, डॉक्टर पास जाएं, वो हमें दवा लिख के दे कि हमें इतने एमजी की गोली लेनी है, अगर हम उतने एमजी की गोली नहीं लेंगे तो वो दवा अपना काम नहीं कर पाएगी और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह गैमा और इज्नोल की भी एक खुराक है जो है 300 mg प्रतिदिन। जापान में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स के अनुसार 300 mg प्रतिदिन गैमा और इज्नोल लेना जरूरी है उसके फायदे लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जापान, अमेरिका, यूके, यूएसए, चाइना, हर जगह गैमा और इज्नोल, हर विकसित देश में गैमा और इज्नोल
सेल किया जा रहा है अपने गुणों के कारण। मैं इन्हीं कंट्रीज का, मैं आप बार बार यही कंट्रीज क्यों उठा रही हूं, बार बार इन्हीं कंट्रीज में क्यों बता रही हूं कि गैमोरिजिनॉल एज ए न्यूट्रोसुटिकल, एज ए बॉडी बिल्डिंग, एज ए स्पोर्ट सप्लीमेंट सेल हो रहा है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, वहां पे बहुत सख्त कानून है। अगर कोई भी अगर आपने दावा करना है तो उसके लिए उचित एविडेंस होना चाहिए, उचित प्रूफ होने चाहिए, उचित सत्यापान होना चाहिए, तो ही वहां पे कोई भी हम क्लेम या कोई भी दावा कर सकते हैं। और उन देशों ने गैमा ओरिजिनॉल को मान्यता दी हुई है, और इसी के चलते आप अगर वहां से गैमा ओरिजिनॉल मंगवाना चाहें तो अमेजॉन इंडिया पर आपको इजीली ऑप्शन मिल रहा है गैमा ओरिजिनॉल मंगवाने का। सोर्स नेचुरल का गैमा ओरिजिनॉल है। पुरानी डिब्बी 2506 रुपए की, नई डिब्बी 3533 रुपए की, और इसी तरह अनेकों अदर्स वेबसाइट्स पे आप गैमा ओरिजिनॉल ऑर्डर कर सकते हैं। $40 से लेकर $50 में आपको ये मिल जाएगा, 2800 से लेकर 3500 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा गैमा ओरिजिनॉल है कैल गैमा, क्योंकि ये इकलौता गैमा ओरिजिनॉल है जो 100 mg की डोजेज में आपको मिल रहा है। एक कैप्सूल में 100 mg है, और ये कंपनी 60 दिनों में पैसे वापस की गारंटी भी दे रही है कि 60 दिन अगर आप गैमा ओरिजिनॉल, कैल गैमा ओरिजिनॉल लेंगे तो आपको अपने अगर वो कोई फायदा नहीं मिलता, ये फायदे इन्होंने सामने लिखे हैं, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, मेनोपॉज सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, अगर इनमें से आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा ये मेडिसिन लेने से, इस न्यूट्रोसिटिकल को लेने से, इस डाइटरी सप्लीमेंट को लेने से, तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इनका विश्वास देखिए, और इस कंपनी का जो 100 mg का कैप्सूल है ये आपको 4,144 रुपए में मिल जाएगा, और ये आपको 10 दिनों में आप तक पहुंचाया जाएगा अमेरिका से। और इसके अगर आप रिव्यूज देखें, कस्टमर रिव्यूज, तो सारे 5-स्टार रेटिंग्स हैं, हर 100% संतुष्टि है कैल गैमा ओरिजिनॉल से। विदेशों की सैर कर ली हमने, विदेश की सैर कर ली, अब हम भारत में आते हैं कि भारत में गैमा ओरिजिनॉल अगर हमने लेना है वो तो यूएस से आएगा, मिलेगा इंडियन साइड से, आपको amazon.in से मिल जाएगा, लेकिन भारत में अगर हम लेना चाहें तो क्या हमें गैमा ओरिजिनॉल मिलेगा भारत का ही बना हुआ? जी हाँ, अब आपको भारत से गैमा ओरिजिनॉल मिल सकता है। हाल ही में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, राइसिला ग्रुप कंपनी धूरी स्थित, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी के, धूरी जो कि पंजाब में स्थित है, एक छोटा सा शहर जहां पे विश्व की सबसे बड़ी राइस ब्रैन ऑयल बनाने वाली रिफाइनरी है, जो इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रैन ऑयल है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो 4 बार नेशनल अवार्ड सम्मानित कंपनी है, इंटरनेशनल अवार्ड सम्मानित कंपनी है, वह कंपनी, उस कंपनी ने हाल ही में गैमा ओरिजिनॉल बना लिया है, और हमने, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने अपना गैमा ओरिजिनॉल पे अध्ययन करवाए उसकी प्रभावकारिता जानने के लिए। तो वहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में ये अध्ययन हुए, उन्होंने यह दावा किया कि इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, और ट्राइग्लिसराइड भी कम हुए हैं। और ये पूरी स्टडी ओरिजिनॉल.in पर पड़ी है, वहां पर जाकर देखी जा सकती है। इसके अलावा इसके अनेकों फायदे आप आज भली भांति जानते हैं, ये वीडियो देखने से आप भली भांति गैमा ओरिजिनॉल के फायदे जानते हैं। यहां पर कीमत की बात करनी बहुत जरूरी है। एपी ऑर्गेनिक्स ने जो गैमा ओरिजिनॉल बनाया उसने हेल्थ गार्ड ब्रांड में RCM के साथ उसे लॉन्च किया, तो हेल्थ गार्ड गैमा ओरिजिनॉल जो भारत का पहला गैमा ओरिजिनॉल है उसकी क्या प्राइस है, उसकी क्या कीमत है? हेल्थ गार्ड गैमा ओरिजिनॉल भारत का पहला गैमा ओरिजिनॉल, उसमें 60 कैप्सूल हैं, हर कैप्सूल का वेट 150 mg है। आपको याद है कैल गामा जो सबसे अच्छा था इंटरनेशनल मार्केट में, उसका कितना था mg पर mg डोजेज? उसका था 100 mg, और ये है 150 mg, बना है इंडिया में। अगर मैं इसकी पर mg कॉस्ट निकालूं तो ये पर mg हमें 5 पैसे इसकी कीमत पड़ रही है। इसकी MRP है 450 रुपए, और 75% BV मिल रही है इसको अगर आप RCM ज्वाइन करते हैं। तो
हेल्थ गार्ड का विदेशों से मंगवाए जाने वाले गामा और रिजनॉल से कीमत में कितना फर्क है वो आपके सामने, क्योंकि हर जो ब्रांड है उसकी नंबर ऑफ कैप्सूल्स डिफरेंट है, उसकी डोजेज डिफरेंट है, उसकी प्राइस डिफरेंट है। तो पर एमजी कॉस्ट ही सबकी निकाली है। पर एमजी कॉस्ट है स्वास गामा और रिजनॉल की 58 पैसे, लगभग 60 पैसे के करीब। सोर्स नेचुरल का जो दूसरा है उसकी 34 पैसे, एक की 29 पैसे, कैल गामा की 41 पैसे और हेल्थगार्ड गामा की है 5 पैसे। तो आपको एक तरह से 73 से 95% तक के डिस्काउंट पे दे रही है ये कंपनी गामा ओरिजिनल, क्योंकि इसका मिशन है गामा ओरिजिनल घर घर तक पहुंचे। हमारे जो कंपनी के चेयरमैन हैं डॉक्टर ए आर शर्मा, उन्होंने 1992 से ही ये मिशन दिमाग में रखा था कि इस राइस ब्रांड से, राइस ब्रांड के बाय प्रोडक्ट से, जैसे जापान न्यूट्रास्यूटिकल बना रहा है, जैसे जापान हेल्थ सप्लीमेंट्स बना रहा है, वैसे हम भी बनाए, हमारी कंपनी बनाए और भारत को हम एक देन दे सकें, हम भारतवासियों के लिए कुछ कर सकें। इसी मिशन के चलते इसका प्राइस बहुत कम रखा है ताकि हर भारतवासी इसका इस्तेमाल कर सके। बनाने वाले हम हैं, पहुंचाने वाला है हर भारत के हर घर में पहुंचाने वाला है आरसीएम परिवार। आरसीएम इसे घर घर तक पहुंचाएगा और यह 6 महीने आरसीएम परिवार के लिए ही है। ये पूरे 6 महीने यह प्रोडक्ट आरसीएम को ही मिलेगा और किसी और कंपनी को नहीं मिलेगा। तो गामा ओरिजिनल पूरी मोनोपोली है आरसीएम के मार्केटिंग चैनल्स की। आरसीएम के जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो उन लोगों को गामा ओरिजिनल पहुंचाएं जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब बीमारियों से बचना चाहते हैं। बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट सेल हो रहा है यूएसए में। जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेनोपॉज के दौरान औरतों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी उसके बाद औरतों के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तरह से ये सबके लिए बहुत अच्छा है जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं। तो आप सबको ये पहुंचाएं, हर घर में ये पहुंचाएं। और इसको लेने के कुछ निर्देश आपको बता देती हूं। 18 साल से ऊपर वाले ही व्यक्ति इसे ले सकते हैं। 2 कैप्सूल प्रतिदिन लेने हैं, 300 mg की सिफारिश खुराक तो ही पूरी होगी। दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन से पहले, और भोजन हेल्थ गार्ड ऑयल में बना हो तो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा बेनिफिट सामने निकल के आएंगे। और ये पूरी जिंदगी ले सकते हैं, इसका कोई कोर्स नहीं है, इट्स अ हेल्थ सप्लीमेंट। इसको अगर हम डेली अपनी खुराक में लें तो हमें बहुत सारे फायदे होंगे। तो इसे पूरी जिंदगी ले सकते हैं, लगातार 3 महीने लेंगे तो हम अपने आप, हमें, वी आर आर ओन जज, हम अपनी बॉडी को जो जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो हमें खुद इसके बेनिफिट्स अपनी बॉडी पे मिलने शुरू हो जाएंगे, हमें पता लगने शुरू हो जाएंगे। ये है हमारा, ये बहुत जरूरी है, ये हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग नंबर है 8847312706, 88473-12706। इस नंबर पे आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं। फेसबुक पर इसे लाइक जरूर करें गामा ओरिजिनल के पेज को, ताकि हमारे फर्दर ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं आपको उसके बारे में पता लगता रहे। और हम एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम परिवार साथ मिलकर इस राष्ट्र को एक अच्छे स्वास्थ्य का उपहार देंगे। एक अंत में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे, एक सवाल पूछना चाहूंगी। मेरी सेहत का गार्ड, हेल्थ गार्ड। जी हाँ, हमारी सेहत का गार्ड है हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल और हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। धन्यवाद।